a very good evening to all of you my dear students my dear kiddos today i priyanka kala is going to teach you about vowels dear students first of all you have to know what are vowels vowel is very basic term and very well known term for all of you i know very well that uh, you have uh, listened this uh, topic uh, since your kg classes right but what is the typical meaning of vowels i will explain you a vowel is a syllabic speech sound pronounced without any structure in your vocal tract means vowels are one of the sound that is produced without any break without any restriction from your vocal cord isn't it ये स्टूडेंट्स मीन्स कहने का ये है वॉवल साउंड जो होती है बहुत ही इंडिपेंडेंट साउंड होती है इंडिपेंडेंट साउंड का मतलब क्या हुआ कि आपका कोई ना बीच में मतलब गले से आपका जो भी है आपको टंग टीथ या लिप्स जो है होता है उसका विदाउट यूज किए हुए ये साउंड आपकी निकलती है देखिए देर आर फाइव वॉवल्स फाइव टाइप के वॉवल्स होते हैं लाइक ए ई आई ओ यू अगर आप मेरे साथ इनको प्रोनाउंस करके देखिए आपका बिल्कुल भी टंग, टीथ या लिप्स का यूज ही नहीं होगा ऐसे ही आपकी बिल्कुल वोकल से ये साउंड निकलता है बोलिए ए, ए, तो आप देख एगे इसमें ऐसा बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहा था इट? तो देखिए अब मैं आपको बताऊंगी जितनी भी हमारी अल्फाबेट्स होते हैं मतलब जितने भी हमारे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश डिक्शनरी में उन सभी में हमारी जो वोवल साउंड होती है वो प्रेजेंट होती ही होती है कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होगा जिसमें कि वोवल्स प्रेजेंट नहीं होगा और अगर वोवल प्रेजेंट नहीं है बट वोवल की साउंड जरूर प्रेजेंट होगी ही होगी तो ये है बेसिकली टिपिकली वोवल्स का बेसिक स्ट्रक्चर अब इसमें हमारे पास आता है कि हमारे पास इसकी दो क्लासेस होती है और जो दो क्लासेस होती हैं हमारी एक होती है वॉवल्स और जो दूसरी होती है वो होती है हमारी कॉन्सोनेंट्स तो क्योंकि हम लोग वर्बल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो चलिए आज पूरा वर्बल्स का ही डिस्कस करते हैं देखिए फाइव टाइप के वर्वल्स जैसे कि मैंने आपको बताया ए ई आई ओ यू होता है अब इन्हीं वर्वल्स के साथ कॉन्सोनेंट्स को रखते हुए हम टू लेटर वर्ड्स सीखने जा रहे हैं देखिए टू लेटर वर्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है किसी भी वर्ड के प्रोनाउंस करने के लिए हमारे पास जितने भी वर्ड्स होते हैं इंग्लिश डिक्शनरी में अगर हमारे पास इनकी टू टू लेटर वर्ड्स की साउंड हमें फोनिक साउंड पता है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है बेटा रीडिंग तो चलिए मेरे साथ इसको आप पढ़ेंगे अभी देखिए पहला है इसमें ए बी एप आप लोग मेरे साथ जरूर बेटा वीडियो देखते हुए मेरे साथ जरूर प्रोनाउंस जरूर करिएगा ठीक है ए बी एप ए सी एक् ए डी एड ए जी एग एम एम ए एन एन एपी एप एस एस ए टी एट एवी एफ डे स्टूडेंट्स आप लोगों ने नोटिस किया हुआ जितने भी मैंने साउंड बोले इनको आराम से थोड़ा आहिस्ता से आपको बोलना है मतलब ए का जो प्रोनाउंसिएशन होता है मैंने आपको पहले भी कहा था इसको बहुत ही स्पीड में नहीं हम लोग बोलते हैं आराम से बोलना है इसको ए बी एप है ना लंबा खींच एन एन एप एस इसी तरीके से तो चलिए अब लो, हम लोग चलते हैं सेकंड यानी कि बी लेटर्स वाले में तो बी ई बी बी आई बाय बी बाय नेक्स्ट वन डी ओ ई डी एड अब देखिए ई आ गया अब ई और ए की प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस ए को आराम से बोलना था लेकिन ई को जल्दी बोलना दिस इज ए की मात्रा हिंदी में जिसे कहते हैं ए की मात्रा है ना तो डी ईडी जी एक ई एम एम ई एन एन ई पी एफ नेक्स्ट वन ई टी एट जी ओ गो एच आई हाई एच ई ही आई एफ इफ आई एम एम आई मीस छोटी की मात्रा आई एम एम आई एन एन आई बी इक आई डी इड i p ip. i r ir i s is I -t, it m e me m y my n o no o b op. O, -c, oc. o d odd o f of o g og o h o o m om o n ऑन ओ पी ऑप ओ आर ओर ओ टी ऑट ओ डब्ल्यू सोटू यू बी अब अब देखिए यू का प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो गया यू मैंने आपको बताया था यू का फनिक साउंड क्या होता है ठीक है तो यू बी अब यूसी यू डी अड यू एफ अफ यू जी अग यू एल अल यू एम अम यू एन अन यू पी अप यू आर अर यू एस अस यू टी अट डब्ल्यू ई वी तो डियर स्टूडेंट्स आप सबने देख लिया होगा ये होते हैं हमारे टू लेटर वर्ड्स तो आप लोग बेटा वीडियो को देखते हुए जैसे जैसे मैं प्रोनाउंस कर रही थी ऐसे ही आप लोगों का प्रोनाउंस करना है यकीन मानिए अभी हम मैं आप लोगों को इंग्लिश रीडिंग जिस आ, की जो मैं कोशिश कर रही हूँ ये तभी मेरे लिए फ्रूटफुल होगा जब आप लोग मेरे साथ फॉलो जरूर करेंगे बेटा फॉलो करने का मतलब है पहले हम लोगों ने वन वन, वन वर्ड्स यानी कि अल्फाबेट्स तो ए से लेके जब तक पढ़ ही लिए हैं वॉवल्स की साउंड बेसिक मैंने आपको बता ही दी है इसके अलावा अगर हम टू टू लेटर वर्ड्स को यानी कि टू टू लेटर्स को लेके वर्ड को मिलाकर पढ़ना सीखेंगे जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं ना ल नल है ना पढ़ते रथ है ना पढ़ा था ना आप लोगों ने हिंदी में क ब कब तो जैसे आप हिंदी में टू लेटर वर्ड्स पढ़ते हैं बिल्कुल ऐसे ही ये इंग्लिश के टू लेटर वर्ड्स हैं अगर आपको इनको पढ़ना आ गया बेटा तो इसके बाद हम पढ़ेंगे थ्री लेटर वर्ड्स तो आप अपने आप देखिएगा कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा आसानी होगी रीडिंग करने में तो चलिए आज के लिए इतना ही थैंक यू एवरीवन बाय बाय